हेलो एवरीवन, वेलकम टू मजेला बस ग्रेट। तो छात्रों, आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एकेटीयू के छात्रों के लिए। आगे आने वाले समय में आपको एकेटीयू में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आप लोग के फेवर में हैं और कुछ आप लोग के फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत से हैबिट आप लोग को लग चुकी है जो चेंज करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी होगी। अगर नहीं चेंज करेंगे तो आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। छात्रों, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस सर्कुलर को आप लोग बहुत गौर से देखिए, और मैं आपसे बता देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। समय नहीं है तो आपके पास जब समय हो तो 5 मिनट 6 मिनट तो इस वीडियो के लिए निकाल लें। छात्रों, इस सर्कुलर को आप देखिए, 1 मिनट तक पूरा पढ़िए और बताइए कि इसमें आपको क्या चेंजिंग लग रहा है, क्या इससे पहले इस सर्कुलर को आपने देखा है या फिर नहीं देखा, कहाँ से मिला है कहाँ से नहीं मिला। तो छात्रों, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्कुलर जारी हुआ है 23 अप्रैल 2024 को, जिसमें लिखा है विश्वविद्यालय की सन 2023-24 के विषम सेमेस्टर कैरी ओवर पेपर एवं यूएफएम की परीक्षा परिणाम के संबंध में 2024 का है, जबकि अभी यूएफएम का परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है। चलिए यहाँ पर नीचे देखते हैं, एक लाइन आप फोकस करिए। यहाँ पर लिखा है, उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने परिणामों से असंतुष्ट हैं, वो छात्र छात्राएं हेल्पलाइन नंबर 05222366805 7745983695 पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संपर्क कर त्रुटि समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो छात्रों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस सर्कुलर को आप पूरा जरूर पढ़िएगा, जिसमें लिखा है कि परीक्षार्थियों के परिणामों में जो भी त्रुटि है तथा परिणामों में शून्य अंक एवं यूएफएम प्रदर्शित हो रहे हैं, उन परिणामों से जल्द सुधार करने की कोशिश करें। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि एकेटीयू सर्कुलर जो ऑफिशियल वेबसाइट है एकेटीयू की, वहां पर मैंने देखा 23 अप्रैल नाम से इसका कोई सर्कुलर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें दो नंबर लिखे हैं, जो एक नंबर मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं 10 अंक का है। तो छात्रों, कभी भी एकेटीयू ने जो भी सर्कुलर निकाला है उसमें आज तक कभी भी मोबाइल नंबर नोट डाउन नहीं रहता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कभी भी लिखा नहीं रहता है। और अगर कभी नंबर लिखा जाएगा तो ये हेल्पलाइन नंबर जो 05222 लिखा है यही मेंशन होता है, कभी भी ऐसे नंबर मेंशन नहीं होते हैं, लैंडलाइन नंबर ही मेंशन होता है। तीसरी चीज़ है कि कभी भी आप कोई भी सर्कुलर उठाकर देखिए तो हमेशा एक ही कॉन्टैक्ट डिटेल रहती है, जिसमें रहता है aktuufm@gmail.com, उस पर ही आपको अपना एक्सप्लेनेशन सेंड करना होता है, और जब सर्कुलर आता है तब सेंड करना होता है। लेकिन आज ही मुझे एक छात्र ने ये भेजा और उसने मुझे बताया कि इस नंबर पर, यानी कि 7459833 वाले नंबर पर उसने कॉल किया, अपने यूएफएम की जो समस्या बताई कि लगी है उसे 5500 रुपी ले लिए गए और इसके बाद कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर रहे, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इसके आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है, आप सभी समझदार हो, समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह किसी भी एकेटीयू में किसी भी एम्प्लॉय का नंबर नहीं है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो ट्रू कॉलर पे सर्च करने लगते हैं, जब ट्रू कॉलर में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर हेल्पलाइन विश्वविद्यालय एकेटीयू लखनऊ यहाँ पर लिखकर आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि आप कोई भी नंबर डालेंगे तो अगर ये लिखकर आ रहा है तो एकेटीयू का ही है। तो अगर आप ऐसे चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह से आप मत फंसे और इस पर कॉल करने की आपको किसी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कभी कुछ डाउट होता है तो मुझसे तुरंत आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं आपको उचित सलाह दूंगा। तो छात्रों, ये एकेटीयू का नंबर नहीं है, ये कन्फर्म है। ट्रू कॉलर का एक अलग सीन रहता है कि जो ट्रू कॉलर में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है वही नंबर सबको शो होता है, तो ये अपने हाथ में होता है। चलिए फिर इस सर्कुलर पे आते हैं। तो ये सर्कुलर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में डाल दूंगा और साथ ही मेंशन कर दूंगा फेक सर्कुलर। अगर ऐसा किसी भी छात्र के पास आता है तो इस पर बिलीव मत करें, और अगर किसी ने कॉल किया हो, किसी के पास सर्कुलर आया हो, तो मुझसे बता सकता है कि सर्कुलर आप लोग के पास कहां से आया है, किसने भेजा है। और एक चीज़ मैं आप लोग को फिर से बोलूंगा कि एकेटीयू ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर जारी नहीं करता है जहां से तुरंत रिस्पांस मिल जाए। बाकी यूएफएम के रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको समस्या है, तो मुझसे आप इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि जिन छात्रों को नहीं पता है, अभी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग भी इसको देख सकें और ऐसी चीज़ों से बच सकें। और छात्रों, वीडियो के एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मेरा कल आने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि आगे आने वाले समय में क्या चेंजेज होंगे, क्या AKTU ने ऐसा क्या किया है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा, और AKTU ने ऐसा क्या बदलाव किया है जो स्टूडेंट के पर्पज से सही नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।